कल इत्थे फोन आया, 8 बजे फोन आया, तो वो इहदी मम्मी ने फोन चुकिया, तो उहदी मम्मी नूं पुछण लगे भी रणजीत दा घर इहो सिद्ध पिंड सिद्धपुर तो बोलदे आ, कहिंदी आहो। वो कहन लगे भी डैडी नाल, रणजीत दे डैडी नाल गल करो, तो वो कहन लगे भी उहदे दिल्ली काम करदा। वो कहन लगे फिर भरा नाल गल करा दो, इहदा छोटा ब्रदर आ उहदा, मतलब सीधा सीधा ही आ। तो उहदे नाल गल कराई, तो उहनूं फोन आया भी इदां उहदा रणजीत दा पैर फिसल गया बर्फ तो, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ 12 ਵਜੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪੈ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ? ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਅਜੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ? ਬੱਚਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਬੁੜੀ ਆ, 2-2.5 ਮਹੀਨੇ। ਬੁੜੀਆਂ ਵੇਖਣ ਆਏ ਹੋ? ਆਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਕੀ 45 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਈਫਲਸ ਉਸ ਯੂਨਿਟ ਮੇਂ ਤੈਨਾਤ ਗਾਓ ਸਿੱਧਪੁਰ ਕੇ ਸਿਪਾਹੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਲਾਰੀਆ, ਜੋ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ करते हुए, जो कुपवाड़ा का माचल सेक्टर है, पेट्रोलिंग करते हुए वापस आ रहे थे अपनी कैंप में, तो अपने चार साथियों सहित वो बर्फीले तूफान की चपेट में आ गए और मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपना शहादत का जाम पी गए। पिछले दिसंबर महीने से लेकर अब तक हमारे 15 जवान जो हैं इस बर्फीले आतंक का शिकार हो चुके हैं। सिपाही रणजीत सिंह जो परिवार में इकलौता कमाने वाला था, 26 जनवरी को पिछले साल उसकी शादी हुई थी, अभी साल भी नहीं हुआ, अभी 3 महीने की उसकी नन्ही परी, जिसका नाम परी है, वो बेटी है, और परिवार पर जो दुखों का पहाड़ टूटा है, शायद ही वो इस सदमे से कभी उभर पाए। पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंक से वो लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो जो बर्फीला आतंक है वहाँ पे भी, उससे लड़ते हुए भी वो अपने बलिदान दे रहे हैं। सो आज पूरे गांव में शोक की लहर है। कब तक उनकी बॉडी आई? कब तक? रात को पता चला था, आज भाई अरुण की बॉडी आने वाली है, संभावना है आज पहुँचेगी, और गांव में पहुँचने पर ही उनका सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। टेलीफोन आया जी, उन्होंने कुकवाड़ा आए, उसे ड्यूटी ते बस ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਗੱਲ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਹੀ, ਮੇਰਾ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿਆਹ, 26 ਜਨਵਰੀ 2 ਸਾਲ ਹੋਣਾ। ਬੇਟੀ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਬੇਟੀ ਦੇ ਕੇ ਆਈ, ਆਏ ਦੇ ਕੇ। ਬੱਚੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਆ? 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਬਗੈਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ।